हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो में मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ यूपीएससी के जो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का पेपर हुआ था 2022 में, उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम आपका हुआ है 2022 का फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का, इसके पेपर वन और पेपर टू के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप फॉरेस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, आप 2023 में ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो 2022 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके बारे में। तो ये वीडियो आपको एक आइडिया देगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है और किस लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये देखिए, ये आपका पेपर फर्स्ट है, तो मैं अभी आपको इसको दिखा रहा हूँ। ये आपका पेपर फर्स्ट है जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का, जो कि आपका 2022 में एग्ज़ाम हुआ था फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का, 26 नवंबर 2022 को। ये आपका पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में जो आपका सेक्शन ए है, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है आपका, इम्प्रूवमेंट फेलिंग इज नॉट कंसाइडर्ड एज आ सिल्वीकल्चरल सिस्टम, वाई। ये क्वेश्चन आपका सिल्वीकल्चर का है, इसमें पूछा गया है जो आपका इम्प्रूवमेंट फीलिंग है वो जो है सिल्वीकल्चर नहीं कहलाता है, उसका सिस्टम नहीं कहलाता है, तो इसका कारण क्या है। तो यहाँ आपको इसके बारे में लिखना था। इसके आपके टोटल 8 मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर दो क्या है आपका, व्हाट आर द मेजर थ्रेट टू मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इसके मेजर थ्रेट्स क्या हैं, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है इसमें, और इसके भी आपके 8 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ इज द रीजनरेशन मैप ऑफ मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट प्रिपेयर्ड। जो आपके मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, उनका जो आपका रीजनरेशन मैप होता है वो कैसे बनाते हैं, वो इसके बारे में पूछा गया है, तो इसको आपको आंसर करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर डी, एक्सप्लेन द टेक्निक फॉर अपग्रेडेशन एंड हार्डनिंग ऑफ नर्सरी सीडलिंग ऑफ लेजिस्ट्रोमिया लेंटोस लाटा। तो ये आपका एक साइंटिफिक नेम दिया हुआ है जो आपका इसका अपग्रेडेशन एंड हार्डनिंग सिस्टम है नर्सरी में सीडलिंग का, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। इसके आपके 8 मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बम्बो फ्लावरिंग। जो आपका बांस होता है उसकी फ्लावरिंग के बारे में आपको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में, इसके भी आपके 8 मार्क्स रहेंगे। तो ये आपके जो है क्वेश्चन नंबर एक में जो आपके 5 क्वेश्चन आए थे ये आपके वो हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है आपसे, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉपाइस विथ स्टैंडर्ड एंड कॉपाइस विथ रिजर्व, एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉपाइस विथ टू रोटेशन एंड पोलार्ड सिस्टम। जो आपका कॉपाइस होता है ये आपका स्टैंडर्ड एंड कॉपाइस विथ रिवर्स, इसमें जो आपका डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। इसके अलावा आपको जो है जो कॉपाइस होता है इसको एक्सप्लेन करना है, और आपका जो टू रोटेशंस होता है और पोलार्ड सिस्टम होता है इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। इसके आपके 15 मार्क्स रहेंगे। अगर जो आपका पार्ट बी है इसके बारे में बात की जाए, तो पार्ट बी में क्या पूछा गया था आपका, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड डिजर्ट। जो आपका कोल्ड डिजर्ट होता है ये क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है आपका, हाउ डस चॉइस ऑफ स्पीसीज प्ले पोल एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कोल्ड डिजर्ट एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम। जो आपका कोल्ड डिजर्ट एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम है, इसमें आपका जो है क्या रोल है प्ले पोल का, प्ले पोल स्पीसीज का, उसके बारे में आपको लिखना है। हाउ आर कोल्ड डिजर्ट आर एफॉरेस्टेड एरिया एफॉरेस्टेड, हाउ आर कोल्ड डिजर्ट एरिया एफॉरेस्टेड, तो ये सब आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसमें कुछ आपकी जो हेडिंग्स दी हुई है उनको आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें पहला क्या रहेगा आपका, सेलेक्शन फेलिंग, रीजनरेशन फेलिंग, सिलेक्टिव फेलिंग एंड इनिचमेंट प्लांटिंग, इन सभी को आपको जो है एक्सप्लेन करना है। इसके आपके 10 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका,
क्वेश्चन नंबर थ्री का जो ए पार्ट है वो क्या है आपका, हाउ आर नर्सरीज क्लासिफाइड इन इंडिया, व्हाट आर द क्लोनल नर्सरी, एक्सप्लेन द नर्सरी टेक्निक फॉर कैजुरिनिया इक्वेसिटिफोलिया। यानी कि इसमें पूछा गया आपका जो नर्सरी होती है उसका क्लासिफिकेशन क्या है अपने इंडिया में उसके बारे में लिखिए आप, और आपका क्या है क्लोनल नर्सरी क्या होती है इसके बारे में आपको लिखना है, और आपका जो नर्सरी टेक्निक होती है कैजुरिना इक्वेसिटिफोलिया की इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज प्रिसीजन सिल्वीकल्चर, एक्सप्लेन द सिल्वीकल्चरल टेक्निक्स फॉर द फॉलोइंग, डेलबर्गिया, सिसो, यूकेलिप्टिस, टेस्टिकॉर्निस। तो ये आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है आपका, इज कोस्टल रिहेबिलिटेशन यूजिंग मैंग्रोव स्पीसीज इज सक्सेस, एक्सप्लेन दी प्लांटेशन टेक्निक फॉर डिग्रेडेड मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर फोर का ए, एक्सप्लेन द सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट हेल्प इन मॉडिफिकेशन ऑफ द फैक्टर्स इन फॉरेस्ट्री। इसमें आपको जो सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपका मॉडिफिकेशन में हेल्प करती हैं साइड फैक्टर्स इन फॉरेस्ट्री उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके आपके 15 मार्क्स हैं, और जो इसका फोर क्वेश्चन का पार्ट बी है उसमें क्या पूछा गया आपसे, डिफरेंशिएट बिटवीन थिनिंग साइकिल एंड थिनिंग इंटेंसिटी। जो आपकी थिनिंग साइकिल होती है और थिनिंग इंटेंसिटी होती है इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है। और क्या इसमें आगे है, व्हाई इज थिनिंग एसेंशियल फॉर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट स्टैंड। जो आपकी थिनिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट स्टैंड मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट स्टैंड, डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड द मेरिट्स ऑफ फ्रेंच थिनिंग। जो आपकी फ्रेंच थिनिंग होती है इसके लाभ और हानियाँ क्या हैं इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज रूट शूट कटिंग। जो आपकी रूट शूट कटिंग होती है ये क्या होती है, और नेक्स्ट क्या इसमें है, राइट द नेम्स ऑफ फाइव ट्री स्पीसीज विच आर प्रोपगेटेड बाई दिस मैथड। अब ये आपका एक प्रोपगेशन का मेथड है रूट शूट कटिंग, इसके द्वारा जो है प्रोपगेट किए जाने वाले पांच आपके जो है ट्री के नाम आपको लिखने थे इस क्वेश्चन में, इसके आपके 10 मार्क्स थे। तो यहाँ पे आपका पूछा गया था फाइव ट्री स्पीसीज, मान लो आप ट्री के नाम लिखते हो ठीक है, और वहाँ पे अगर आप जो उसके साइंटिफिक नाम भी लिखाते हो तो साइंटिफिक नेम लिखने से आपका एक जो है जो आपका कॉपी चेक करता है उसके ऊपर एक पॉजिटिव आपका जो है इम्पैक्ट पड़ता है, एक पॉजिटिव जो है उसका वो पड़ता है इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, कि आपको जो है उसके बॉटनिकल नेम भी पता है उसके जो साइंटिफिक नेम है वो भी आपको पता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में। इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज एग्रो फॉरेस्ट्री हेल्प टू अचीव दी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके आपके 8 मार्क्स रहेंगे, ये क्वेश्चन आपका एग्रो फॉरेस्ट्री पार्ट से पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है आपका, हाउ डू सेक्रेड ग्रुप्स हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्या है आपका, हाउ डस वाटर शेड इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आर रीजन। नेक्स्ट क्या है इसमें आपका, हाउ डस कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ प्लांट रेसिड्यू इन सॉइल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी टू प्लांट। नेक्स्ट इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, ई नंबर, व्हाई द कन्वेंशनल ब्रीडिंग दैट हैज अ मच बेटर रोल टू प्ले इन जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रीज नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस इन रिसर्च। इसके आपके 8 मार्क्स हैं। इसमें आपके जो है जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसमें कुल आपके 5 क्वेश्चन थे, सब क्वेश्चन थे और इनके आपके हर क्वेश्चन के 8 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एग्रोफॉरेस्ट्री एंड इथनो एग्रोफॉरेस्ट्री। इसमें आपको जो डिफरेंस डिफरेंट है ट्रेडिशनल एग्रोफॉरेस्ट्री में और इथनो एग्रोफॉरेस्ट्री में वो आपको बताना है। फिर क्या है आपका, एक्सप्लेन द ब्रीफ बिलो ग्राउंड एंड अबो ग्राउंड ट्री क्रॉप इंटरेक्शन इन एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम। इसके बारे में आपको ब्रीफ जो है डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट आर दी कंस्ट्रेंट्स इन द वैल्यू चेन अंडर इंडस्ट्रियल एग्रोफॉरेस्ट्री। यानी कि आपकी क्या क्या समस्याएं होती हैं आपका जो है इंडस्ट्रियल एग्रोफॉरेस्ट्री के वैल्यू चेन में उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। इसके आपके 10 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट क्या पूछा गया इसमें आपका, हाउ डू ट्री एंड श्रब मास इन्फ्लुएंस द मिटिगेशन ऑफ पर्टिकुलर मैटर एंड नॉइस इन अर्बन सेटिंग्स।
जो आपके ट्री और श्रब होते हैं उनका जो मास इन्फ्लुएंस होता है वो क्या होता है, आपका जो है पार्टिकुलेट मैटर और नॉइस इन अर्बन सेटिंग्स में, ये पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए है उसको देख लेते हैं, क्या पूछा गया इसमें। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ बायो इंजीनियरिंग मेजर्स फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जो आपकी बायो इंजीनियरिंग होती है इसके जो मेजर्स हैं सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के वो आपको इसमें डिस्क्राइब करने हैं, प्रिंसिपल आपको इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, राइट इन ब्रीफ 4 कार्बन बायो इंजीनियरिंग टेक्निक्स फॉर हिल एंड स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क यूजिंग प्लांट। नेक्स्ट क्या इसमें आपका क्वेश्चन नंबर बी है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइकोराइजी इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, जो आपका माइकोराइजी होता है जिसमें आपका वैम आता है, वैसिकुलर अरबैसिकुलर माइकोराइजी, वैम भी आपका एक प्रकार का माइकोराइजी ही है, तो उसका जो है प्लांट की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में फॉरेस्ट जो ट्रीज होते हैं उनकी ग्रोथ में क्या जो है उसका रोल है वो आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्या इसमें पूछा गया आपसे, गिव आ डिटेल प्रोफाइल ऑफ सॉइल शोइंग वेरियस जोन्स एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ईच सॉइल जोन, इसमें आपको जो सॉइल जोन है उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, इसके फंक्शन को आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए जो है वो क्या पूछा गया इसमें, डिस्कस द की प्रॉब्लम टू एक्सपेंड ट्री कवर इन अर्बन एरियाज, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अर्बन ट्रीज इन अबेटिंग सॉइल पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजनी टेस्टिंग, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोजनी टेस्टिंग, प्रोजनी टेस्टिंग का क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको इसमें लिखना है, प्लस आपके जो इसके लाभ और हानि हैं वो आपको इसमें जो है डिफरेंशिएशन करके उसके जो मेथड होते हैं वो आपको जो है डिस्क्राइब करने हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस कंसिडरेशन दैट आर मेड बिफोर चूजिंग अ ट्री इम्प्रूवमेंट अप्रोच, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए जब आप जो है ट्री इम्प्रूवमेंट अप्रोच को फॉलो करते हो, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है इस क्वेश्चन में। चलिए बात कर लेते हैं पेपर टू के बारे में, देखिए पेपर टू आपका है, देख लेते हैं इसके बारे में कैसा पेपर आया था पेपर टू आपका, सॉरी एक मिनट रुकिए, जी हाँ आपका पेपर टू आ गया है। सेक्शन ए इसमें क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर जो ए है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लासिफाइंग फॉरेस्ट, हाउ आर द फॉरेस्ट क्लासिफाइड फॉर सिल्वीकल्चरल मैनेजमेंट, जो आपका फॉरेस्ट होता है उनका क्लासिफिकेशन का मेन पर्पज क्या है, उनके पर्पज क्या होते हैं, और जो आपके फॉरेस्ट क्लासिफाइड किए गए हैं सिल्वीकल्चर मैनेजमेंट के द्वारा उनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्क्राइब दी ग्राफिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉल्यूम टेबल। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्क्राइब द मेजर कंसिडरेशन ऑफ रोड अलाइनमेंट इन प्लेन्स, एक्सप्लेन द टर्म ग्रेडियंट चैम्बर एंड ड्रेनेज रिलेटेड टू रोड्स इन द हिल्स। नेक्स्ट क्या है आपका, सक्सेस ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट प्लांटेशन डिपेंड ऑन साइट स्पेसिफिक एंड स्ट्रेटेजिक प्लांटिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इसमें यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को आपको जो है जस्टिफाई करना है, इसको आपको प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट जो है सही है, इसको आपको अपने वर्ड में जो है इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सप्लेन आर्टिफिशियल फॉर्म फैक्टर, एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर, नॉर्मल फॉर्म फैक्टर एंड फॉर्म कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्या है आपका, डिफाइन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड राइट इट्स ऑब्जेक्टिव, जो आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है इसको जो है डिफाइन करना है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो आपको लिखने हैं। फिर क्या है, डिस्कस इन ब्रीफ द मेजर एक्टिविटीज रिलेटेड टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो आपकी फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राइट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, जो आपकी सर्वेइंग होती है इसके प्रिंसिपल क्या है वो आपको लिखने हैं, ये आपका पार्ट इंजीनियरिंग का कुछ पूछ लिया गया इसमें। डिस्क्राइब डायरेक्ट मैटर ऑफ चेनिंग ऑफ स्लोप ग्राउंड्स एंड चेनिंग व्हेन विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाई चेनिंग इज फ्री। नेक्स्ट क्या है आपका, मैश प्ले आ सिग्निफिकेंट रोल इन वर्किंग प्लेन प्रिपरेशन, एक्सप्लेन, यहाँ पर देखिए ये भी जो है एक प्रकार का आपका स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट को आपको जो है एक्सप्लेन करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या ए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 3 का ए है वो क्या है, डिस्क्राइब द आउटलाइन एंड द
कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी वर्किंग प्लान रिपोर्ट, इसके आपके 15 नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री के ए के आपके 15 नंबर रहेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का बी जो है, एक्सप्लेन द सिंगल लाइन एंड डबल लाइन फील्ड बुक्स विथ द नीट स्ट्रेच। इसमें आपको जो है सिंगल लाइन और डबल लाइन जो आपका होता है फील्ड बुक, इनका आपको डायग्राम बनाना है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। मेंशन द स्टेप फॉलोड इन फील्ड वर्क इन चेन सर्वे, जो आपके फील्ड वर्क होते हैं चेन सर्वे में उनको आपको जो है उन स्टेप्स को आपको जो है मेंशन करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, वर्किंग प्लान इज एन डॉक्यूमेंट टू इन्फोर्स सिस्टमैटिक ऑब्लिगेटरी एंड मैंडेटरी रेगुलेशन फॉर कंटिन्यूअस मैनेजमेंट ऑफ गिवन फॉरेस्ट डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर जो फोर का ए है उसको देख लेते हैं। अप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस हेल्प इन कंटिन्यूअस फॉरेस्ट कवर मॉनिटरिंग एंड एफिशिएंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, इसके आपके 15 मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्क्राइब द टेंजेंट मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट हाइट ऑफ ट्रीज ऑन लेवल ग्राउंड एंड स्लोपिंग ग्राउंड। नेक्स्ट क्या है आपका, पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज सक्सेस, इलुस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या आपका स्टेटमेंट है, पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज सक्सेस, इज अ सक्सेस। इस स्टेटमेंट को आपको जो है एग्जाम्पल के साथ में इसको आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, सेक्शन बी अब आपका शुरू हो रहा है यहाँ से, पार्ट पेपर टू का क्वेश्चन नंबर फाइव का ए क्या है आपका, व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस इन ट्रीज, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सेस ऑफ ट्रीज टू दीज स्ट्रेसेस। जो आपकी बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस होती हैं ट्रीज के संदर्भ में, वो आपको जो है लिखनी है, उनके बारे में लिखना है आपको, और उनके जो रिस्पॉन्स होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, मेंशन एनी एट स्पेशलाइज यूज ऑफ वुड विथ एग्जाम्पल, इसके भी आपके 8 मार्क्स हैं, इसके 8 मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, फाइव का क्वेश्चन नंबर जो सी है वो क्या है आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर एनर्जी इन वुड सीजनिंग। यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका पार्ट बी है सेक्शन, जो आपका सेक्शन बी है, देखिए थोड़ा ये आसान पूछा गया है, इसके क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ 5 कॉमन ट्री स्पीसीज यूज्ड इन आयुर्वेदा, इसके आपके 8 मार्क्स हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका आयुर्वेदिक सिस्टम है इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, इसके जो प्रिंसिपल हैं वो आपको लिखने हैं, प्लस आपको जो है 5 कॉमन ट्री स्पीसीज के नाम लिखने हैं जो आपका जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, राइट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, जो आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था 1927 का, इसका जो प्रोविजन है वो आपको लिखना है, अप्लाई टू डिक्लेयर विलेज फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए आपका, उसको देख लेते हैं। ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ लॉगिंग इन इंडिया, जो आपका लॉगिंग होती है इसकी हिस्ट्री क्या है इंडिया में, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन हाउ मैकेनाइजेशन इन हार्वेस्टिंग एंड एक्सट्रैक्शन हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ लॉगिंग। यानी कि आपका जो है जो मैकेनाइजेशन है हार्वेस्टिंग में और एक्सट्रैक्शन में, वो आपका कैसे हेल्प कर रहा है वेस्टेज को और लॉजिंग की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ डिजर्ट इकोसिस्टम, राइट स्टेप टू कंट्रोल शिफ्टिंग इन सैंड ड्यून्स। इसमें आपको जो आपका डिजर्ट इकोसिस्टम है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, और आपको जो है कंट्रोल जो आपके मीजर्स हैं शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या इसमें पूछा गया आपका, एक्सप्लेन द सालवेज ऑपरेशन फॉर प्लांटेशन ट्री आफ्टर नेचुरल डिजास्टर। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सेवन का ए देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। जो आपके ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट होती हैं उनके बारे में आप क्या समझते हैं, इसमें आपको वो लिखना है और आपको एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट क्या है आपका, राइट द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियाज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इंडिया नीड अ रिविजन ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे आपको जो है साइलेंट फीचर लिखने हैं इंडियन फॉरेस्ट, इंडियाज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के, और आपको जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। आपका स्टेटमेंट क्या है, इंडिया नीड्स अ रिविजन ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी। इस स्टेटमेंट को आपको जो है जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, जो सी है इसमें आपका, इंक्रीज यूजेस ऑफ कंपोजिट वुड्स, द नीड फॉर इंक्रीज रॉ मटेरियल फॉर प्लांटेशन ऑफ शॉर्ट रोटेशन ट्रीज एक्सप्लेन। इसके आपके 10 मार्क्स हैं। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या है आपका, 8 का जो पार्ट ए है, डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था उसके जो प्रोविजंस थे वो आपको डिस्क्राइब करने हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, और वो आपको जो डिस्क्राइब करना है वो आपको जो है यहाँ पे दो हेडिंग दी हुई है, इनके बेसिस पे आपको डिस्क्राइब करना है। पहली हेडिंग क्या है आपकी, रिस्ट्रिक्शन ऑन दी डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। दूसरा क्या है आपका, डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर रूरलाइजेशन ऑफ इनक्रोचमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का बी क्या है, डिस्क्राइब द एडवर्स क्लाइमेटिक फैक्टर काजिंग डैमेज टू फॉरेस्ट। जो आपका एडवर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो फॉरेस्ट को कैसे डैमेज कर रहे हैं, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सी, व्हाट आर दी कमेंसलिज्म म्यूटलिज्म एंड सिम्बायोसिस, राइट द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। यहाँ पे आपके कुछ टर्म दिए गए हैं, ये टर्म आपके जो है बायोलॉजी के हैं, इनको आप फॉरेस्ट्री का पार्ट भी मान सकते हैं, तो इन टर्म के बारे में आपको जो है लिखना है, और आपको जो फंक्शन है इकोसिस्टम के वो आपको जो है लिखने हैं। तो ये आपके जो है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर थे आपके जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का, जो आपका एग्जाम हुआ था फॉरेस्ट्री का। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को एक आइडिया मिल गया होगा कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इस एग्जाम में, और आप इन क्वेश्चन के बेसिस पे अपनी तैयारी को कर सकते हो। आपको ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो आपको लगाने हैं, उनको आपको देखना है, और उसके बेसिस पे आपको अपनी तैयारी करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।